ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयेत्मुदीरये नष्टप्रायः सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतु नैष्टिके। श्रीमद् भागवतम स्कंद छे अध्याय एक श्लोक नंबर 13 और 14। तो मैं पहले एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर आप लोग दोहराएंगे। तपसा ब्रह्मचारेण समय न च दमे न च त्यागेन सत्य शौचाभ्यां यमेन नियमेन वा देह वाग् बुद्धिजं धीरा यमेन सॉरी धर्मज्ञः श्रद्धयान्वितः क्षिपन्त्यघं महत्तपि वेणुगोल्ममिवानलः। तपसा, तपस्या या भौतिक भोग का स्वेच्छा से तिरस्कार कर द्वारा, ब्रह्मचार्येण ब्रह्मचार्य द्वारा, समय न मन को बस में करने से, च तथा दमे न इंद्रिय को पूरी तरह वश में करने से, च भी त्यागे न स्वेच्छा से उत्तम कार्य के लिए दान देने से, सत्य सत्यता से, शौचाभ्याम तथा अपने आप को भीतर बाहर से स्वच्छ रखने के विधान का पालन करने से, तथा यमेन साप देने तथा अहिंसा से बचने से, नियमेन भगवान के नाम का नियमित कीर्तन करने से, वा तथा देह वाक् बुद्धिजम शरीर वाणी तथा बुद्धि के द्वारा संपन्न, धीराहा धीर लोक, धर्मज्ञ धार्मिक सिद्धांत के ज्ञान से पूरित, श्रद्धयान्विता श्रद्धा से युक्त, क्षिपन्ति नष्ट करते हैं, अघम सभी प्रकार के पाप कर्म को, महदपि यद्यपि अति महान तथा निंदनीय, वेणुगुल्मम वास के वृक्ष के नीचे की सुखी तलर लतर, इव सदृश अनलह अग्नि। अनुवाद, मन को एकाग्र करने के लिए मनुष्य को ब्रह्मचार्य जीवन बिताना चाहिए और अधपतित नहीं होना चाहिए। उसे इंद्रिय भोग को स्वेच्छा से त्यागने की तपस्या करनी चाहिए, तब उसे मन तथा इंद्रिय को
वश में करना चाहिए। दान देना चाहिए, सत्यव्रति स्वच्छ तथा अहिंसक होना चाहिए, विधि विधान का पालन करना चाहिए और नियम पूर्वक भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। इस तरह धार्मिक सिद्धांत को जानने वाला धीर तथा श्रद्धावान व्यक्ति अपने शरीर वचन तथा मन से किए गए सारे पापों से अस्थाई रूप से शुद्ध हो जाता है। ये पाप बांस के पेड़ के नीचे की लतरों की सूखी पत्तियों के समान है, जिन्हें अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है। यद्यपि उनकी जड़ें अवसर पाते ही फिर से उगने के लिए शेष बची रहती है। तो दोहराने के लिए समय नहीं है, अभी मैं पढ़ लेता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की स्मृति शास्त्र में तप की व्याख्या इस प्रकार हुई है, मनश्चेन्द्रियाणां च एकाग्रम परमं तप अवसर। मन तथा इंद्रिय का पूर्ण नियंत्रण तथा एक ही प्रकार के कार्य में उनके पूर्ण एकाग्रता तप कहलाती है। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को यह शिक्षा देता है कि मन को भक्ति पर किस तरह एकाग्र करना चाहिए। यह उच्च कोटि का तप है। ब्रह्मचार्य के 8 पक्ष होते हैं। मनुष्य को ना तो स्त्रियों के बारे में सोचना चाहिए, ना यौन जीवन की चर्चा करनी चाहिए, ना स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करनी चाहिए, ना स्त्रियों की और कामुक होकर देखना चाहिए, ना उनसे घनिष्ठतापूर्वक बातें करनी चाहिए, ना संभोग में रत होने का निर्णय लेना चाहिए, ना ही यौन जीवन के लिए कभी प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को स्त्रियों के बारे में सोचना या उनकी और ताकना तक ही नहीं चाहिए, बातें करना तो दूर रहा। इसे ही उच्च कोटि का ब्रह्मचार्य कहते हैं। यदि कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी एकांत में किसी स्त्री से बातें करता है तो स्वाभाविक है कि बिना किसी के जाने ही यौन जीवन की संभावना बनी रहती है। इसीलिए पूर्ण ब्रह्मचारी इसके विपरीत अभ्यास करता है। यदि वह पूर्ण ब्रह्मचारी है तो वह बहुत आसानी से मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकता है, दान दे सकता है, सत्य बोल सकता है आदि आदि। किंतु प्रारंभ है उसे जीभ तथा खाने पर नियंत्रण रखना होगा। भक्ति मार्ग में मनुष्य को सर्वप्रथम जीभ को नियंत्रित करके दृढ़तापूर्वक विधि विधानों का पालन करना चाहिए। सेवान मुख्य ही जीवादौ स्वयं एव स्फुरत त्यदाह। जीभ को वश में किया जा सकता है यदि मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। कृष्ण से संबंध विषयों के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर ना बोले तथा ऐसी किसी वस्तु का आस्वादन ना करे जो कृष्ण को अर्पित ना की गई हो। यदि वह इस तरह जीव को वश में कर सकता है तो ब्रह्मचार्य तथा अन्य शुद्ध करने वाली प्रक्रियाएं स्वतः ही पीछे पीछे चलेंगी। अगले श्लोक में बतला जाएगा कि भक्ति का मार्ग परम पूर्ण है, अतएव यह कर्म मार्ग तथा ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठतर है। वेदों से उद्धरण देते हुए श्रील वीर राघव आचार्य बतलाते हैं कि जितनी पूर्णता से संभावित हो व्रत रखना तपस्या में सम्मिलित हो जाता है। तपसान सके न। श्रील रूप गोस्वामी ने भी अत्याहार अर्थात अधिक भोजन करने को आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में बाधक बतलाया है। यही नहीं, भगवद गीता में 3.17 में कृष्ण कहते हैं, जुक्ताहार विहारस्य जुक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। जो खाने सोने मनोरंजन तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वो योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को कम कर सकता है।
श्लोक 14 में धीरा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसी अध्याय में, 6 अध्याय में 14 नंबर श्लोक। इसका अर्थ है जो सभी परिस्थितियों में अविचल रहते हैं। भगवद गीता 2.14 में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, दूसरा अध्याय है, मात्रस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पहिनो नित्यम स्तांति तिक्ष्य स्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरत वंशी, वे इंद्रियों बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। भौतिक जगत में अनेक उलझने आती हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आदि भौतिक। जिस व्यक्ति ने सभी परिस्थितियों में इन संकटों को सहन करना सीख लिया है वो धीर कहलाता है। जैसे प्रभुपाद की ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग बहुत लंबा समय से श्रीमद् भागवतम महापुराण का पारायण करते आए हैं। तो इस श्रीमद् भागवतम महापुराण में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का संवाद दे रहे हैं। ये सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का संवाद हो रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी ने प्रथम स्कंद में श्रीमद् भागवतम महात्म्य से लेकर श्रीमद् भागवतम का महिमा के बारे में प्रांजल भाव से वर्णन किए हैं। और द्वितीय स्कंध में भगवान का विभिन्न अवतार के बारे में भी वर्णन करते आ रहे हैं। तृतीय स्कंध में
निवृत्ति मार्ग के बारे में बताते हैं और चतुर्थ स्कंद में भी प्रवृत्ति मार्ग तथा मन्वंतर के विषय में उपदेश कर रहे हैं। पंचम स्कंद में भी वही प्रियव्रत का चरित्र के बारे में और आखिरी में नरकों के बारे में वर्णन किए हैं, 28 नरकों के बारे में विस्तार से वर्णन किए हैं। फिर अभी हम लोग षष्ठ स्कंद में प्रवेश किए हैं, तो षष्ठ स्कंद में परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी की। जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहें कि अभी तो मैं आपको प्रायश्चित की विधि के बारे में बता दिया, अभी आप इसी विधि से प्रायश्चित के माध्यम से आप अपना पाप को धूल सकते हो या पाप से मुक्त हो सकते हो। तो परीक्षित महाराज कहते हैं आपने प्रायश्चित के बारे में तो बताया, परंतु लोग पाप करते हैं फिर प्रायश्चित करते हैं फिर से वही पाप करने लगते हैं, तो फिर इसमें पाप का क्षय होने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता है, तो इसमें क्या लाभ है? पाप करो फिर प्रायश्चित करो फिर वही कार्य करते रहो। तो ये तो हाथी स्नान जैसा ही हो जाता है, जैसे हाथी नदी में जाकर स्नान करता है और फिर उसी नदी से बालू लाकर अपना सिर में छिड़क देता है। तो इसका अर्थ क्या है? तो ये वास्तव में पाप मुक्त से वास्तविक पथ नहीं है, वास्तविक मार्ग नहीं है। आप हमें सही मार्ग बतलाइए जो वास्तव में इस पाप से मुक्त हो सकता हूँ। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने नरकों के बारे में वर्णन किए, तो परीक्षित महाराज ने सुनकर थोड़ा भावित हो गए, क्योंकि इतना विस्तार से सुखदेव गोस्वामी ने नरकों के बारे में वर्णन किया है, 28 प्रकार का नरकों के बारे में वर्णन किया है और भी बहुत सारे अलग अलग पाप के लिए अलग अलग नरक का वर्णन हुआ है, तो मुख्यतः इसमें 28 नरकों का वर्णन किया है। तो इस नरकों का वर्णन से परीक्षित महाराज ने चिंतित होने लगे, क्योंकि ऐसे महान नरक से मुक्ति कैसे प्राप्त किया जाए, तो इसीलिए वो प्रश्न कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कोचित निवर्तते अभद्रात कोचित चरित तत्पुनः। इसका अर्थ है कोचित निवर्तते अभद्रात, कभी कभी लोग अभद्रात मतलब पाप से निवृत्त हो जाते हैं परंतु फिर कभी कभी पुनः उसी कार्य को उसी पाप कर्म करने लगते हैं। प्रायश्चितम अथो अपारथम मन्ये कुंजर शौचवत, इस श्लोक में बताते हैं
श्लोक नंबर 6.1.10 में बताते हैं, कोचित निवर्तते अभद्रात कोचित चरति तत्पुनः प्रायश्चितम अथो अपार्थम मनक मन्ने कुंजर शौचवत। तो क्या आप इसमें क्या फायदा क्या है, तो वही पाप करो फिर उसे प्रायश्चित करो फिर वही पाप पुनः करो, तो इससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। फिर सुखदेव गोस्वामी उन्हें ये उनका परीक्षा था, तो सुखदेव गोस्वामी उनकी परीक्षा करते हैं कि मैं इतना सारे उनको ज्ञान दिया कथा सुनाया तो उन क्या उनसे परीक्षित महाराज ने उसमें क्या ग्रहण किया है, तो उनको परीक्षा करते हैं। तो वो प्रायश्चित के बारे में सुखदेव गोस्वामी उनको कहते हैं कि वास्तव में प्रायश्चित के माध्यम से ही हम पाप से मुक्त हो सकते हैं, परंतु प्रायश्चितों से पाप का कभी नष्ट नहीं होता है। तो परीक्षित महाराज इसीलिए उनके उन्हें प्रश्न करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कर्म से कभी कर्म का नाश नहीं होता है, जो कर्म से कर्म नाश करने का सोचता भी है वो अज्ञानी है, अज्ञान युक्त कर्म कभी पाप से मुक्त नहीं कर सकता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कर्मणा कर्मणा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म का कर्म करने का अधिकार है परंतु कर्म का फल भोगने का अधिकार हमारा नहीं है। तो हमें कर्म करना चाहिए लेकिन फल की आशा नहीं करना चाहिए। और इसीलिए परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं, तो इसी श्लोक को बताते हैं, तो उनका जब उत्तर से परीक्षित महाराज ने कहा है कि नहीं नहीं ये जो आपने जो विधि बताए इससे प्रायश्चित संभव नहीं है, अब मुझे वास्तव में सही मार्ग बताइए जो कि हम पूर्ण मात्रा से पाप से मुक्त हो सके। फिर सुखदेव गोस्वामी ने इस श्लोक को उद्धार करते हैं, तपसा ब्रह्मचारेण समेन दमेन च त्यागेन सत्य शौचेन यमेन नियमेन वा। मन को एकाग्र करने से करने के लिए मनुष्य को ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करना चाहिए। प्रपात पर्पट में बताते हैं पहले तपस्या के ऊपर प्रपाद ने उदाहरण देते हैं समझाते हैं तपस्या का अर्थ क्या है। ये स्मृति शास्त्र में वर्णन हुआ है कि मनश्चेन्द्रियाणां च एकाग्रम परमं तपः मनश्च इंद्रियाणां च निग्रहम एकाग्रम निग्रहम मन और इंद्रियां विषयों से निग्रह करना ही तपस्या कहा जाता है। मन तथा इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण तथा एक ही प्रकार के कार्य में उनकी पूर्ण एकाग्रता तप कहलाती है। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य बताते हैं, तो यहाँ प्रथम प्रश्न आता है मन मन के ऊपर निग्रह करना मन को संयमित करना मनश्च इंद्रियाणश्च। तुम्हारा पांच ज्ञानेन्द्रिया और पांच कर्मेन्द्रिया 10 और मन को लगा के 11 इंद्रिया हैं, तो उसमें मन को श्रेष्ठ बताया गया है।
तो जब व्यक्ति मन को संयमित कर लेता है, वश में कर लेता है, तो वो स्वतः जो हमारा ज्ञानेंद्रिया है या कर्मेंद्रिया है वो स्वतः वश में आ जाते हैं। तो वास्तविक तपस्या का अर्थ है इंद्रियों को संयमित करना, इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, विषयों से संपृक्त नहीं करना है। तो ये कैसे संभव है? तपस्या का अर्थ ये नहीं है कि हम कहीं हिमालय में चले जाए, कहीं एक गुंफा में बैठकर तपस्या करने लग जाए, ध्यान में लग जाए, निर्विशेष से ब्रह्म को ध्यान करें, या पंचअग्नि के माध्यम से अग्नि जलाकर बीच में बैठकर तपस्या करें, तो ये या जल के अंदर प्रवेश करके ध्यान करें। वास्तव में ये तपस्या नहीं है। तपस्या है, इसमें फल भी मिलता है, परंतु शास्त्र के अनुसार वास्तविक तप है इंद्रियों को संयमित करके कार्य करना। तो इंद्रियों को कैसे संयमित किया जाए? ये संभव नहीं है। इंद्रिय बलवान है, बलवान इंद्रिय ग्रामम, श्रीमद् भगवते भगवान कहते हैं इंद्रिय जो है बलवान है, इनको वश में करना इतना आसान नहीं है। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं 6.34 श्लोक में अर्जुन बताते हैं, प्रश्न करते हैं भगवान को, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्या हम निग्रहं मन्ये वायुरेव वायुरेव सुदुष्करम। चंचल ही मन कृष्ण, तो ये जो मन है बड़ा चंचल है, उन्हें वश में करना इतना आसान नहीं है। हे भगवान, मैं कैसे मन को वश में करूं? मैं वायु को वश में कर सकता हूं, परंतु मन को संयमित करना मेरे बस की बात नहीं है। ये बलवान है, सुदुष्कर है, इनको बस में करना संभव ही नहीं है। परंतु भगवान ने इसका हाल बताते हैं। भगवान कहते हैं नहीं नहीं अर्जुन, इसका भी हाल है, इसको बस में किया जा सकता है, इतना बड़ा कठिन कार्य नहीं है। एक ही श्लोक में बताते हैं, भगवान कहते हैं असंशय महाबाहु मन दुर्निग्रहम चलम, असंशय निसंदेह, हे महाबाहु अर्जुन, निसंदेह है मन को कंट्रोल करना बस की बात नहीं है, ये दुर्नि मतलब कठिन है, परंतु अभ्यासेन तुकंतेय वैराग्यन च गृह्यते, दो कार्य के माध्यम से हम इंद्रियों को मन को वश में कर सकते हैं। अभ्यास और वैराग्य, जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हम मन को संयमित नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। तो अभ्यास कैसे होगा? जब हम वैराग्य भाव हमारे हृदय में लाएंगे, वैराग्य भाव उत्पन्न करेंगे, वैराग्य न च गृह्यते, तो सबसे बड़ा तपस्या है मन को वश में करना। कठोर उपनिषद में भी एक श्लोक बताया गया है, आत्मनं रथिनं विद्धि शरीरं रथ एव च,
बुद्धिं तु सारथिं, विद्धि मन प्रग्रहम एव च, आत्मनं रथिनं विद्धि शरीरं रथ एव च, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मन प्रग्रहम एव च, इन्द्रियाणि हयानाहु, इंद्रियाणं हयानाहु, इंद्रिय को घोड़े के साथ समान किया गया है, और ये शरीर रथ के समान होता है, रथिनंग विद्धि। रथ शरीर है और शरीर का जो रथी है वो जीवात्मा होता है, जीवात्मा को रथ का रथी कहा जाता है। बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, जो बुद्धि है, हमारा बुद्धि जो है वो सारथी के रूप में कार्य करता है। सारथी का क्या कार्य है? रथ को चालन करना, चलाना। सारथ बुद्धि के, सारथी के हाथ में ही रथ का दोरी रहता है। मन प्रग्रहमेव च, मन जो है वो दोरी के समान है। जब सारथी रथ को कंट्रोल करता है, घोड़े को कंट्रोल करते हैं, उन पर एक दोरी लगता है, क्या बोलते हैं उसको, लगाम। लगाम को, लगाम किसके हाथ में है? मन के हाथ में है, और बुद्धि सारथी है। बुद्धि के हाथ में लगाम है। तो घोड़े जो है, जो हमारा जो इंद्रियां हैं वो घोड़े के समान कार्य करते हैं। तो ये जो रथ है, ये रथ को वश में करना आवश्यक है। कैसे वश में किया जाए? ना बुद्धि के माध्यम से। हमें बुद्धि को शुद्ध करना होगा। शुद्ध कैसे करेंगे? जब हम आध्यात्मिक कार्य में भाग लेंगे, सत्संग में भाग लेंगे, भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, तभी हमारा बुद्धि शुद्ध हो सकता है। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है ये समस्त प्रकार का पाप से मुक्त करने वाले हैं। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम पुराणम लोक संस्कृतम श्रृणुवत् श्रद्धयान्विता मम संतुष्ट कारणम। महात्म्य भगवान, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को बताते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम पुराणम लोक संस्कृतम। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ते समस्त प्रकार के पाप से मुक्त करने वाला है। अगर कोई श्रद्धा के साथ श्रवण करता है, श्रृणुवत् श्रद्धयान्विता, श्रद्धा के साथ सुनना, सुनने का भी एक विधि है। हम श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण करते हैं, श्रवण करने का एक विधि रहता है। ऐसे हम जब श्रीमद् भागवतम कक्ष में बैठेंगे, पर हमारा मन इधर उधर भागता रहेगा, तो हमें भागवतम कथा का जो रस है, जो उसका जो आनंद है, उसका जो फल है, वो इतना पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाएगा। और ये कैसे संभव है? तो ये इसका उदाहरण भी महात्म्य भी दिया गया है। जैसे दुंदुकारी की कथा हम पढ़ते हैं, तो दुंदुकारी जब स्थिर मति से एक वांस के अंदर बैठकर वो कथा श्रवण किया, जब एकाग्रता से कथा सुना, स्थिर मति से,
क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं श्रीमद् भागवत कथा स्थिर मति से मैं श्रवण नहीं करूं तो मेरा मुक्ति असंभव है। तो वो स्थिर मति से कथा श्रवण करके वो उसका जो पाप है उसका जो बंधन से वो मुक्त हो गया, प्रेत जोनियों से मुक्त हो गया, दिव्य शरीर को प्राप्त किया। तो वैसे कथा श्रवण का भी एक विधि है। भगवान कहते हैं यही सबसे मेरा जो संतुष्टि की कारण है वही है, कथा सुने। हमारा कथा सुनने का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। वास्तव में भक्ति करने का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना। भगवान जिसमें प्रसन्न रहते हैं वही उसी में जीवात्मा को प्रसन्न रहना चाहिए। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम जो है जब हम स्थिर मति से श्रवण करेंगे तभी इस समस्त प्रकार का पाप से मुक्त हो सकते हैं। परंतु ये जो विधि इसमें नौ विधि बताए हैं, तपसा ब्रह्मचार्येण समेन दमेन त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन, ये नौ विधि है। तपस्या ब्रह्मचार्य पालन करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, इंद्रियों को संयम करना चाहिए और त्याग भाव रहना चाहिए, शौच भी रहना चाहिए। बिना शौच से हम कोई भी कार्य में हमें आनंद नहीं मिलेगा, शौच जो है वो भी आवश्यक है। तो ये नौ विधि जो बताएं इसमें भी पूर्ण मात्रा से हम पाप से मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए आखिरी लाइन बताते हैं क्षिपन त्यघम महत अपि वेणुगुल्मम इवानलह। नियम पूर्वक भगवान का कीर्तन करना चाहिए, इस तरह धार्मिक सिद्धांत को जानने वाला धीर तथा श्रद्धावान व्यक्ति अपने शरीर वचन तथा मन से किए गए सारे पापों से अस्थाई रूप में शुद्ध हो जाता है। यहाँ अस्थाई रूप में बताया गया, अनुवाद में अस्थाई का शब्द रखा गया। इसके अर्थ है कि ये जो श्लोक के माध्यम से हमारा मुक्ति संभव नहीं है, हमारे पाप से हम मुक्त नहीं हो सकते। कर्म के माध्यम से भी हम पाप से मुक्त नहीं हो सकते हैं और ये तपस्या ध्यान विधि इसमें भी असंभव है। तो उसका वास्तविक विधि क्या है आगे का श्लोक में बताया गया है। तो यहाँ पे एक शब्द आया है बाक तपस्या। तो ये बाक तपस्या क्या होता है? वाणी का तपस्या, तपस्या वाणी के माध्यम तपस्या किया जाता है और एक शरीर के माध्यम माध्यम से तपस्या किया जाता है और एक मन के द्वारा भी तपस्या किया जाता है। तो वाणी का तपस्या क्या है? ना मृदु स्वर में वचन बोलना है। तो भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यं प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वांग्मय तप उच्यते। सत्य बोलना, अनुद्वेग करं वाक्यम, ऐसे हम वाक्य बोले कि दूसरे को कष्ट ना पहुंचे, तकलीफ ना हो, दूसरे को बुरा ना लगे, ऐसे मधुर वाणी बोलना चाहिए। अनुद्वेग करं वाक्यम सत्यम, सत्य बोलना, सत्य भाषण करना चाहिए।
हितकर, जिनके जो हम वचन बोलते हैं दूसरे का हित हो, ऐसा वाक्य बोलना चाहिए। और शास्त्र अध्ययन करना, ये भी वाणी का तपस्या है। और इसी माध्यम से हम अपना जीवन का वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तविक तप तपस्या है कि हम जो शास्त्र के अनुसार जो विधि विधान बताया गया है, जो नियम बताया गया है, तो सब नियम को पालन करना। जैसे ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य पालन करना है। भगवत गीता में श्रीमद् भगवान ने कहते हैं, समो दमो तपो शौचम क्षांतिम आर्जमेव च, ज्ञान विज्ञानस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो इंद्रियों को संयम करना चाहिए, मन को बस में रखना चाहिए। तो मन कैसे बस में हो सकता है? ना प्राणायाम के माध्यम से भी आप मन को वश में कर सकते हैं। तो ये एक विधि है, परंतु जब हम भगवान का कथा श्रवण करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तभी हमारा मन स्वतः भगवान में लग जाता है। क्योंकि ये जो नाम है, महामंत्र है, ये संकीर्तन यज्ञ है, कलिजुग का संकीर्तन यज्ञ है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख समनम सर्व अघ हरम परम। श्रीमद् भागवतम में आखिरी में सुखदेव गोस्वामी ने बताते हैं। तो ये नाम संकीर्तन यज्ञ है, यही हमारा पाप नाश का मूल मंत्र है। भगवान का नाम के माध्यम से हम अपना सारे पाप को धूल सकते हैं और पाप से मुक्त हो सकते हैं। हम ध्यान, तपस्या, इस विधि के द्वारा हमें इतना फल नहीं मिलेगा जितना भगवान का नाम जप करने में हमें फल मिलेगा। क्योंकि भगवान और भगवान का नाम में कोई अंतर नहीं है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस कलियुग में नाम संकीर्तन यज्ञ के रूप में प्रकट हुए हैं, संकीर्तन यज्ञ। तो संकीर्तन यज्ञों को अब अगर हम अपना जीवन में उतार लेंगे तो वास्तविक जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। प्रभुपाद ने यही शिक्षा दिए हैं, सारा संसार में इसी महामंत्र का ही प्रचार किए हैं, हरिनाम प्रचार किए हैं, भगवद गीता का उपदेश किए हैं। इसके माध्यम से कलिजुग का प्राणी इस भवसागर से मुक्त हो सकता है, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसे कष्टों से पार पा सकता है। तो इसीलिए मनुष्य जीवन का वास्तविक गोल होना चाहिए भगवत प्राप्ति। तो कैसे संभव है? इस विधि विधान के माध्यम से, रेगुलेटिव प्रिंसिपल के माध्यम से, जो भी हमारा आचार्यगण हमें जो नियम दिए हैं, तो उस नियम को अगर हम सही से पालन करेंगे, इस हिसाब से कार्य करेंगे, तो हमें अपना जीवन का उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो हरि नाम एक ही उपाय है जो हमें इस समस्त प्रकार का पाप से मुक्त कर सकता है, इस कली के प्रभाव से हमें मुक्ति दिला सकता है। हरि नाम एव केवलम कलौ नास्तैव गतिरन्यथा। यही एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है।
तो इसीलिए हमें हर रोज भगवान का कथा श्रवण करना चाहिए। और जो ब्रह्मचार्य के बारे में बताया गया है, प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में विस्तार से बताया जो मैं पढ़ के सुनाया। इस हिसाब से अगर हम ब्रह्मचार्य पालन करेंगे तो वैसे नहीं कि ब्रह्मचार्य सिर्फ ब्रह्मचार्य के लिए संभव है, ब्रह्मचार्य सबके लिए अनिवार्य है। वर्णाश्रम धर्म वर्म चार वर्ण के लिए ब्रह्मचार्य को भी ब्रह्मचार्य पालन करना चाहिए, गृहस्थ को भी ब्रह्मचार्य पालन करना चाहिए, या वानप्रस्थ या संन्यास, सबके लिए ब्रह्मचार्य अनिवार्य है। ब्रह्मचारी गुरुकुले बसंदांति गुरुरहितम, स्पेशल प्रभुपाद ने यहाँ ब्रह्मचारी के ऊपर व्याख्या किए हैं। ब्रह्मचारी अगर कोई फुल टाइम निष्ठिक ब्रह्मचारी रहता है तो उन्हें इस अगर ये ऐसे नियम को पालन करें जो इस श्लोक में बताया गया, तपसा ब्रह्मचार्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा देहो वाक बुद्धिजंग धीरा धर्मज्ञ श्रद्धान्विता क्षिपंत्यघम महद अपि वेणुगोल में विवान। तो ये श्लोक हिसाब से अगर हम सारे नियम को पालन करने लगेंगे या करने के लिए प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन में हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और आखिरी में भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तभी तो समय हो गया, तो अभी हम यही समाप्त करते हैं। अगर भी त्रुटि है आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद की।